सरकार ने एक वक्त बोर्ड अमेंडमेंट 2024 लेकर के आई थी और उसमें सदन में चर्चा हुई। सरकार ने पहल किया कि इस बिल को पास करने के पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करते हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको और डिटेल से डिस्कशन कर ले, क्योंकि सरकार प्रेस निकलन रेड्डी जी ने कहा हम चाहते हैं कि जो वक्त का पर्पज है, रिलीजियस पर्पज है, वॉयस पर्पज है, चैरिटेबल पर्पज है, कोई भी ऐसे वक्त की जो औकाफ हो उसकी वो गॉड के नाम पे, जो अल्लाह के नाम पे देता है, उसका फ़ायदा उसकी आमदनी से या उसकी प्रॉपर्टी से यतीमों को हो, खवातीनों को हो, पसमानदा को हो, अक्लियत के लोगों को हो, गरीबों को हो, एजुकेशन के लिए हो, चाहे तालीम हो, हेल्थ के लिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अभी जैसे यहाँ भी सिद्धांत में निकल रहा है कि यहाँ भी नौगांव में लोगों ने खुद ही लोगों ने कब्जा कर लिया, आज भी उसका फ़ायदा नहीं मिला है। बस्ती में खैर साहब की बस्ती, तो हमारी कोशिश है कि इसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से गाँव सभाओं की लैंड का एक कस्टोडियन रहता है, ऐसे इस तरह से वक्त की प्रॉपर्टी को कोई कब्जा न करे, कोई खुद मुद न करे, तो एक बेहतर कानून बनाने के लिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारी दो बैठकें हो चुकी सभी जेपी सिंह मेमोरियल के साथ, हम बाहर से मिल रहे हैं, हमने पूरे देश में इश्तहार दिया कि जिसको वक्त कोर्ट के मुतल्लिक कोई ज्ञापन प्रतिवेदन देना चाहे, या कोई तंजीम हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे वहाबी हो, चाहे रसानी हो, चाहे बोरा हो, चाहे सियाह हजरात हो, सभी को हम सुनने का अनुरोध। इससे साफ है कि आप सोच सकते हैं कि पूरे मुल्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर हम इतनी मीटिंग, इतने लोगों से मिलने, इतने शहरों में जाने की बात कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बेहतर कानून बनाना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है गॉड के नाम पे, उसी उद्देश्य को सही ढंग से, पवित्र ढंग से, शुचिता से, ट्रांसपेरेंट मैनर में उसका उद्देश्य पूरा हो।